सीरियल नमक इश्क की बात करें तो शो में हाई वोल्टेज ड्रामा तो चल ही रहा है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कहानी की जीत होगी। जिस तरीके से कहानी ने सबके सामने ये संकल्प लिया था कि वो अपने पति के साथ पूजा करेगी, तो अब शिव भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि आखिरकार युग को कहानी के साथ पूजा करना ही पड़ा। इसके बाद तो आपको बताते चले कि हो गया घर में जोरदार तमाशा, जहाँ गुंजन रोने लगी और ये कहने लगी कि अब वो इस घर में नहीं रह सकती है क्योंकि युग ने कहानी के साथ पूजा की है और भगवान भी शायद यही चाहते हैं, तभी तो इतनी तेज आंधी आई और सब कुछ बिगड़ गया। फिर इरावती और युग की माँ सब समझाती हैं गुंजन को और कहती हैं कि वैसे तो पूरे शहर में आंधी आई है, तुम ये क्यों सोचती हो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही आंधी आई थी, और मंदिर में तो कई लोग साथ में पूजा करते हैं, तो क्या साथ में पूजा करने से रिश्ता बन जाता है। गुंजन को बहुत समझाया जाता है लेकिन गुंजन नहीं मानती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे युग रोकता है और उसका हाथ पकड़ कर लाता है और कहता है कि गुंजन तुम शुरू से मेरी पसंद हो, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था, कहानी तो मेरी मजबूरी है, अब आज मैं सबके सामने ये सारी मजबूरी को ख़त्म करने वाला हूँ। आपको बता दें कि अब जो है जो युग अपने हाथों में सिंदूर उठा लेता है और गुंजन की मांग भरने जाता है, कहता है कि आज मैं गुंजन तुम्हारी मांग भर कर सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और जैसे ही वो मांग भरने के लिए अपने हाथ को उठाता है, कहानी युग के हाथ को रोक लेती और कहती है जब तक मेरी मांग में सिंदूर है आप किसी को सिंदूर नहीं भर सकते हैं, मेरी मांग से सिंदूर हटाकर ही आप किसी की मांग भरे हैं। तभी सभी कहते हैं कि युग पोछ दो इसकी मांग के सिंदूर को। अब जब युग है वो मांग के सिंदूर को पोछना तो ज़रूर चाहता है लेकिन कहानी टस से मस वहाँ से नहीं होती है। कहानी कहती है कि ये गलती फिर से नहीं करना। अब जब बहस हो ही रही है तो आपको बताते चले कि यहाँ पर रानी दौड़ते हुए आती है और युग से कहती है कि स्विमिंग पूल में कोई डूब रहा है, आप उसे बचा लीजिए। सब दौड़ते भागते चले जाते हैं और कहानी को मालूम है कि रानी झूठ बोल रही है क्योंकि रानी नहीं चाहती थी कि ये झगड़ा और बढ़े। अब आपको बता दें कि जब सभी लोग स्विमिंग पूल पर दौड़ कर जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। सभी लोग को समझ में आता है कि रानी जो है वो झूठ बोल रही है। अब आपको बता दें कि युग आता है और फिर कहानी से कहता है कि तुम चाहती क्या हो, तुमने बहुत तमाशा कर लिया। इस पर कहानी कहती है कि मैं क्या चाहूँगी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं अपने पति के साथ रहूँ, यहीं रहूँ। अब आपको बता दें कि युग जो है ये बोलता है कि कहानी बहुत जल्द मैं अपने परिवार के एक एक मेंबर के आंसू का बदला तुमसे लेकर रहूँगा। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि अब जो है कहानी फिर से जाती है इरावती के पति के पास और कहती है कि बाबा आपको मालूम है ना कि मेरे बाबा और माँ कौन थे, आप प्लीज़ इस मोबाइल पर आप मैसेज कर दीजिए। ये कहकर कहानी वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर इरावती के पति सब कुछ टाइप कर रहे होते हैं। अब देखना दिलचस्प होता है कि क्या शो में सचमुच जो टाइप कर रहे हैं इरावती के पति वो पहुँच जाएगा सीधे कहानी के पास या फिर वो किसी और के हाथ लग जाएगा। वह जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, द 23 न्यूज़।